गुड मॉर्निंग लवली किड्स ऑफ एपीएस, कैसे हो बेटा? आप ठीक हो ना? अपना ख्याल रखना है, कीप वॉशिंग योर हैंड्स, अपने हाथ धोते रहो और अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रखो। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो ऑफ चैप्टर 15, प्लांट्स अराउंड अस, पार्ट 2। आज हम क्या करेंगे बेटा? लेसन 15, प्लांट्स अराउंड अस, इसके बारे में हम जो टेस्ट योर सेल्फ एंड एक्टिविटी पार्ट 86 और 87 बुक के पेजेस हैं बेटा, हम उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका एक्सरसाइज पार्ट है। So, beta, welcome back in your today's class. Earlier, what we have done in our previous video, first video में lesson 15, plants around us. इसकी first video में what we learned, हमने क्या सीखा बेटा? हमने सीखा कि हमारे चारों तरफ अलग-अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं, है ना? किसी के साइज अलग होता है प्लांट्स का, किसी की शेप अलग होती है। और जो सबसे बड़े, सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े साइज के होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रीज। और हर्ब्स होते हैं, उनकी जो स्टेम्स होती हैं वीक होती हैं, ग्रीन होती हैं। श्रब्स होते हैं, जो उनकी स्टेम्स होती हैं वुडी होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। और जो शब्स होते हैं वो उनकी अपीयरेंस कैसी दिखती है? दे लुक लाइक बुशी प्लांट्स, है ना? क्लाइंबर्स कौन से प्लांट्स होते हैं? क्लाइंबर्स होते हैं जिनको सपोर्ट चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, ये होते हैं हमारे क्लाइंबर्स। तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज के बारे में पढ़ा, एंड देन वी रेड अबाउट, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, कि प्लांट के पार्ट्स कौन से होते हैं। रूट होती है जो ग्राउंड के अंदर होती है ना? और फिर स्टेम के बारे में पढ़ा। स्टेम प्लांट का ट्रंक होती है और वो ग्राउंड के ऊपर होती है, और प्लांट को खाना भेजने का काम स्टेम करती है। लीफ होते हैं, लीफ किचन का काम करते हैं, प्लांट के लिए खाना बनाते हैं। फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट स्किनी पार्ट होता है प्लांट का, और इसमें सीड्स होते हैं। और जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट, सबसे ज्यादा सुंदर पार्ट होता है प्लांट का। और जो फ्लावर होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब पढ़ा था हमने पार्ट वन में, प्लांट्स अराउंड अस। अब बेटा आज आज हम करेंगे द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ योर्स, आपका सबसे फेवरेट पार्ट, दैट इज योर एक्टिविटी पार्ट। ठीक है, मैं आपको दो तीन एक्टिविटीज करके दिखाऊंगी रिलेटेड, आपके चैप्टर से रिलेटेड। यू विल गेट टू नो मोर अबाउट दिस चैप्टर, आपको और ज्यादा पता लगेगा। इन योर फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ लेसन 15, आज हम पिक्स देखेंगे बेटा, पार्ट्स ऑफ प्लांट, और इसको हम इस पिक्स के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। देखिए बेटा, यहाँ पे सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट रूट्स। रूट्स क्या होती है? ये प्लांट को सॉइल के साथ फिक्स करती है, जोड़ती है, और जो सॉइल से मिनरल और वाटर लेने का काम रूट्स करती है। देन ट्रंक, ये बेटा ये दिस पार्ट, ये जो ये पार्ट होता है इसको हम ट्रंक और स्टेम दोनों बोलते हैं। और ये सारा पार्ट क्या करता है? प्लांट को खाना और पानी भेजने का काम करता है। देन लीव्स, लीव्स होते हैं जो प्लांट पे, वो क्या करते हैं? प्लांट के लिए खाना बनाने का काम करते हैं, किचन बोलते हैं जिनको हम। फ्लावर, फ्लावर क्या काम करते हैं? फ्लावर जो होते हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। एंड देन फ्रूट, फ्रूट क्या काम करता है? फ्रूट स्किनी पार्ट होता है प्लांट का, और ये खाने के भी काम आता है, और इसमें सीड्स होते हैं, और सीड से आगे फिर बेबी प्लांट में कन्वर्ट करते हैं, और ब्रांचेस होते हैं। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ ट्री। अब यहाँ पे देखो बेटा, बिग प्लांट स्मॉल प्लांट्स, अभी हम बात भी कर रहे थे पहले कि ट्रीज क्या होते हैं। जो बड़े बड़े और टॉल स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं वो आगे ट्रीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ये बनियन ट्री, बनियन का ट्री होता है, मैंगो ट्री, बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, और कोकोनट, ये सारे ट्रीज हैं। स्मॉल प्लांट हिबिस्कस, दिस इज हिबिस्कस, हिबिस्कस प्लांट, तुलसी एंड रोज, ये ट्रीज से छोटे होते हैं, और इनकी जो स्टेम्स होती हैं ये वुडी होती है, लकड़ी की होती हैं, और इनकी अपीयरेंस बुशी होती है, झाड़ियों की तरह दिखते हैं।
ये होते हैं शंक्स. सो हियर आर द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, ट्रीज एंड शंक्स. सो दिस वाज योर फर्स्ट एक्टिविटी. To know more about plants, I am here in a park and I'll tell you what are the trees, shrubs, herbs. Here it is a pic of a banyan tree. This is a video of a banyan tree. देखिए बेटा, I was talking about a trunk, stem. क्या होती है? This part is called stem. This part, the thick part of a tree. ये banyan tree है, देखिए कितना पुराना है. बहुत ओल्ड होते हैं ये, 200 ईयर्स तक भी इनकी लाइफ होती है. दिस इज कॉल्ड बनियन ट्री. ट्री होते हैं बड़े बड़े, लंबे, थिक, विथ थिक वुडी स्टेम. नाउ क्लाइंबर्स, आई विल टॉक अबाउट क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स क्या होती हैं बेटा? ये देखिए, द प्लांट्स विच नीड टू ग्रो, विच नीड सपोर्ट टू ग्रो. यहाँ पे इन बेल को, इस बेल को ये देखिए सहारे की ज़रूरत है. ये तोरी का प्लांट है बेटा, और यहाँ पे ये सहारे से, एक सपोर्ट से क्लाइम कर रहा है, ग्रो कर रहा है. ये यहाँ पे देखिए ग्रिल के साथ साथ सपोर्ट मिली हुई है ना इसको. दिस इज कॉल्ड क्लाइंबर. एंड नाउ आई विल शो यू हर्ब्स. व्हाट आर हर्ब्स? दिस प्लांट इज ऑफ हर्ब बेटा. ये देखिए, ये स्टेम इसकी देखिए, विद ग्रीन स्टेम. ये स्टेम्स इनकी ग्रीन होती हैं एंड बहुत सॉफ्ट होती हैं. दे आर ऑफ ग्रीन कलर. हर्ब्स होते हैं विद सॉफ्ट स्टेम. स्टेम्स सॉफ्ट होती हैं इनकी और ग्रीन कलर के होते हैं. इवन आपकी जो ग्रास होती है ना, वो भी ये होती है, हर्ब ही होती है. एंड दीज आर श्रब्स, अ रोज प्लांट. ये देखिए बेटा, ये वुडी स्टेम्स होती हैं इनकी. ये वुडी स्टेम्स होती हैं एंड देयर अपीयरेंस इज लाइक बुशी. बुशी अपीयरेंस होती है, झाड़ियों जैसी अपीयरेंस होती है. दीज आर श्रब्स. बेटा इज द टाइम टू डू एक्टिविटी गिवन इन योर बुक ऑन पेज नंबर 87. यहाँ पे ये देखिए बेटा, क्रॉसवर्ड दिया गया है और यहाँ पे पिक्स दी रखी हैं. सिक्स पिक्स आर हियर. और आपको क्या करना है, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एट प्लांट्स इन दिस वर्ड सर्च. इस क्रॉसवर्ड में आपको एट प्लांट्स के नाम दिए गए हैं. मैंने यहाँ पे आपके लिए पहले ही सर्च कर लिए हैं. फर्स्ट इज हियर पीपल, सेकंड लोटस, थर्ड स्पिनिच, फोर्थ मिंट, फिफ्थ कैक्टस, सिक्स्थ पम्पकिन, सेवेंथ रोज, एट जैस्मिन. सो दीज आर द नेम ऑफ प्लांट्स. आपको भी जब आप बुक में इसको करोगे बेटा, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम हियर. ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड एक्टिविटी. दिस कलेक्ट सम लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, स्टिक देम विद ग्लू टू गिव शेप ऑफ डिफरेंट एनिमल्स लाइक द वन गिवन हियर. यहाँ पे देखो बच्चे, ये डॉग की पिक्चर बना रखी है, ये एनिमल पिक बना रखी है. ये विद द हेल्प ऑफ लीव्स इन्होंने की है, अलग अलग शेप के और अलग अलग साइज के लीव्स लिए हैं, उनको ग्लू से एक शेप में फिक्स करना है. तो यहाँ पे ये देखिए, ये एक एनिमल पिक बना रखी है. एंड आई हैव मेड वन फॉर यू ऑल्सो, दिस थिंग. तो आप अपने आस पास से प्लांट्स ले सकते हो, सॉरी प्लांट्स के लीव ले सकते हो, और आप उनको किसी भी शेप में, जो आपको शेप अच्छी लगे एनिमल्स की, आप उसको शेप अप कर सकते हो. सो दिस वाज योर एक्टिविटीज फ्रॉम बुक इटसेल्फ. नाउ इज द टाइम टू डिस्कस एक्सरसाइज पार्ट ऑफ लेसन 15. बच्चे लुक फॉर पार्ट ए, टिक द करेक्ट आंसर. जो आंसर सही होता है हमें उसको टिक करना होता है. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज अ ट्री. इनमें से ट्री कौन सा है, नीम या रोज? अब रोज तो श्रब होता है ना, तो ट्री क्या हुआ, नीम. तो आंसर विल बी अगेंस्ट ए, नीम. सेकंड, विच ऑफ दीज इज अ हर्ब. हर्ब कौन सा है, ए स्पिनिच, बी कॉटन. जो कॉटन होता है वो श्रब होता है,
और स्पिनेज जो होता है इसकी स्टेम्स ग्रीन कलर की होती है, सॉफ्ट होती है, तो हर्ब कौन सा होगा? स्पिनेज। तो दोनों में वन और टू में आंसर क्या होंगे हमारे? ए, नीम एंड स्पिनेज। नाउ बी पार्ट, लुक फॉर बी पार्ट, आंसर दीज क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, आई विल डिस्कस आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। आप इनकी ट्राई करोगे इनको लिखने की। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर श्रब्स? श्रब्स क्या होते हैं? प्लांट्स स्मॉलर देन ट्रीज। ठीक है बेटा, प्लांट्स स्मॉलर देन ट्रीज आर श्रब्स। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर हर्ब्स? अब हर्ब्स क्या होते हैं? वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। ये आंसर होगा इसका। फिर थर्ड क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट के हमें डिफरेंट पार्ट्स लिखने हैं, तो इसमें क्या क्या होगा? रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स। जितने भी पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं ना लेसन में आगे, वो सारे यहाँ पे आपको लिखने हैं। यस बेटा, ऑन पेज 87 ऑफ योर बुक थिंक एंड आंसर पार्ट इज गिवन। वहां पे डी पार्ट में आपको क्या करना है? एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसको आपको सोचना होता है एंड यू हैव टू राइट आंसर फॉर दैट। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? व्हाई डू क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड? जो क्रीपर्स होते हैं वो ग्राउंड के साथ ही क्यों ग्रो करते हैं, जमीन में ही क्यों ग्रो करते हैं? तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जो क्रीपर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, क्रीपर प्लांट्स होते हैं, इन पे जो फ्रूट होता है वो बहुत बड़े साइज का होता है ना? तो वो जो साइज का फ्रूट होता है वो अपना वेट उठा नहीं सकता, इसीलिए जो क्रीपर्स होते हैं वो जमीन के साथ ही उगते हैं। फिर लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल क्या होता है? प्रैक्टिकल पार्ट, जो हम लेसन से सीखते हैं। राइट यस और नो, जो आप काम करते हो, अगर आप ये काम करते हो देन यू विल राइट यस, और अगर नहीं करते हो तो यू विल राइट नो। डू यू वॉटर प्लांट्स? क्या आप पौधों को पानी देते हो? अगर यस तो आप यस लिखोगे, और अगर नहीं तो नो लिखोगे। बट बेटा अगर आपके घर में प्लांट्स हैं तो आपको उनको वॉटरिंग जरूर करनी चाहिए। सेकेंड है, डू यू प्लक फ्लावर्स? क्या आप फ्लावर्स तोड़ते हो? अगर यस अगर आप तोड़ते हो तो यस और अगर आप नहीं तोड़ते तो नो। पर बेटा अगर आप फ्लावर्स को तोड़ते हो देन इट्स अ बैड हैबिट, ये एक बुरी आदत होती है। हमें प्लांट्स को, फ्लावर्स को प्लक नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आल्सो ब्रीथ, वो सांस लेते हैं। तो यहाँ पे नो आएगा आपका आंसर। So now, what you are going to do? You will enjoy animation part of this chapter. 15 plants around us. We see different kinds of plants around us. Plants are of different shapes and sizes. Trees. Some plants are tall and strong. They are called trees. A tree has a woody stem called a trunk. Banyan, neem, coconut and mango are examples of trees. Shrubs. Some plants are smaller in size than trees. They are called shrubs. A shrub also has a hard and woody stem and branches. It has a bush-like appearance. China rose, cotton, jasmine and rose are examples of shrubs. Herbs. Some plants are very small. They are called herbs. A herb has a green and soft stem. Coriander, mustard, spinach, mint and aloe vera are examples of herbs. Climbers. Some plants have a very big stem. They need support to grow straight. They are called climbers. Grapevine and money plant are examples of climbers. Creepers. Some plants grow along the ground. They have very weak and thin stem. They are called creepers. Cucumber and pumpkin are examples.
picture of this plant. A plant has many parts. They are root, stem, leaves, flower, and roots. Let us know all about them. Root. It grows under the ground. It fixes the plant to the soil. It takes water and minerals from the soil. Stem. It grows above the ground. It carries food and water to all parts of the plant. Leaf. It is the flat green part of the plant. It makes food for the plant. Flower. It is the most beautiful part of the plant. It changes into a fruit. Fruit. It is the fleshy part of the plant which grows from the flower. It has seeds inside it. Seed. It is found inside the fruit. A seed grows into a baby plant. So, beta, what did you learn from this chapter? हमने इस चैप्टर से सीखा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है? बट बेटा, वन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर आल्सो, के अगर हमने अपने एनवायरनमेंट को सेव करना है तो व्हाट शुड वी डू. हमें अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को ग्रो करना पड़ेगा. सो विद दिस मैसेज आई थैंक यू ऑल, मीट यू सून.